जैसा यूपी A&M डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज जिन लोगों ने कराया है उनके द्वारा क्या बताया गया है, यह जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट्सों को बहुत समस्या थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी, कन्फ्यूजन थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही शानदार तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है और किसी को भी यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं हुई। डॉक्यूमेंट्सों को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहे हैं, लेकिन आयोग के द्वारा ऐसा कुछ भी परेशान नहीं किया गया और अच्छे तरीके से जो है सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पे आप सबको बताने वाले हैं आज जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, यानी कि 2489 कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। उनमें से कुछ कैंडिडेट्स एक दो यानी कि बहुत कम संख्या में ही रहे, नहीं तो सभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना सफल कराया है। और आयोग के द्वारा जो नई अपडेट है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सभी कैंडिडेटों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में क्या बताया ये मैं आपको जानकारी दूंगा, और डॉक्यूमेंट्स को आपको किस सिक्वेंस में लगाना है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देख लेते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा आप देख पा रहे हैं प्रपत्रों के संलग्न क्रम का प्रारूप इस तरीके से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सिक्वेंस से लगा लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स कितने हैं देखिए, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए नहीं है, वहां पे आयोग ने बस एक लिमिट के डॉक्यूमेंट्सों को रखा है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स 25-30 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है काफ़ी लोगों ने, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्सों के बारे में जो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ओनली मेन डॉक्यूमेंट्स ही हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे पहले नंबर पर आपको क्या लगाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, ये आपको वहीं पर मिल जाएगी, ये दोनों चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी, ठीक है, आयोग के द्वारा ही मिल जाएगी जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। दूसरी स्वयं घोषणा पत्र, इसमें आपको कोविड से रिगार्डिंग भरना होगा, ये आपको पता ही है, मैंने भी आपको बता दिया था। तो ये तीन चीज़ें, तो ये होगी नॉर्मल चीज़ें आपकी। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में चौथे नंबर पे आपका आवेदन पत्र मांगा गया था, ये स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया था, और आयोग में जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वहाँ पे ये जो है लगा हुआ था, और उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। आवेदन पत्र में देखिए, आवेदन पत्र जो आपका पहला था उसमें तीन पद जो है विस्तृत जो प्रमाण पत्र था उसमें तीन पेज हो जाएंगे, और उसके बाद में सभी में एक एक पेज है, इस तरीके से आपके सात पेज हो रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है और ये आपको सब पता लग जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है और उनको कोई भी समस्या नहीं हुई, और आपको भी कोई समस्या नहीं होगी, उन सभी को बधाई दूंगा मैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल हुआ है। और काफ़ी स्टूडेंट्सों ने बोला भी है कि बहुत शानदार तरीके से आपने बताया और बहुत सारी हेल्प भी हुई उनकी, तो हम तो बस यही चाहते हैं कि आप सबका डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से हो जाए। और आगे देखिए क्या बताया इसमें, आगे हाई स्कूल की मार्कशीट बताई है, उसके बाद में इंटरमीडिएट की जो है मार्कशीट है, और A&M का प्रत्येक वर्ष का अंक पत्र प्रमाण पत्र, A&M के जितने भी ईयर हैं उसके हिसाब से यहाँ पर अंक पत्र मांगे गए हैं, ठीक है, और A&M का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है, A&M का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा है। अब देखिए यूपी के काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं, यूपी जो जिन्होंने भी, ठीक है, तो इस तरीके से आपके देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स यही हैं। ओनली यहाँ पे 10 जो है डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं आपको ले जाना है, और जो भी ले जाना है वो आपका कुछ भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यही माने जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको भी यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं होने वाली, ठीक है, और वैसे भी काफ़ी कन्फ्यूजन वो जो यूपी वाले कैंडिडेट अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पे है, जो जिनके पास रजिस्ट्रेशन चेंज होकर नहीं आया है तो वो स्लिप जरूर ले जाएं, ठीक है, स्लिप से मान होगा और वो आपके लिए 2 महीने का जो भी टाइम होगा वो आपके लिए दे देंगे, और उसके रिगार्डिंग वो जो है आपका मान हो जाएगा, ठीक है, स्लिप जरूर ले जानी है, स्लिप नहीं ले जाओगे तो आपको वहाँ पर नहीं मान्य होगा, स्लिप आपको ले जानी है, और उसके बाद में वो टाइम दे देंगे कि कब तक आपका जो है चेंज होकर आ जाएगा और मान लेंगे वो, ठीक है, यही आयोग फैसला लेता है और यही जानकारी भी देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अनुभव प्रमाण पत्र, जी हाँ फ्रेंड्स, अनुभव प्रमाण पत्र, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी ले जा रहे हैं इनको आप अच्छे से क्लियर करके, आपको वैलिड होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए में, और QR जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसमें QR कोड माना गया है, QR कोड को ही देख के वो स्कैन करते हैं इस तरीके से, और QR कोड वाला जो है अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, और डॉक्यूमेंट्स में भी जो है स्कैन वाले हैं उनको स्कैन करके देखते हैं वो, ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होनी है, शानदार तरीके से सभी का डूबी हो गया है, और फाइनल लिस्ट आप सबकी जो है बाद में आ ही जाएगी। अभी क्या है, जिन लोगों ने भी बताया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले उसमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो
ये जानकारी थी और आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप भी टेंशन फ्री हो जाइए, आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, ठीक है। कोई भी समस्या लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप भी टेंशन फ्री हो गए होंगे क्योंकि आपके साथियों का डीवी हो गया है और आपको भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। और जितने भी आसपास के जितने भी साथी हैं वो एक दूसरे से पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप सबको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कोई भी अपडेट होगी बताया जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।